हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक है कि SSC GD क्या है। बहुत सारे ऐसे नए लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं जो अभी 10th पास 12th पास करके आ रहे हैं, जिन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है कि आखिर इसके बारे में वो नहीं पता चल जाए कि अगर वो जैसे कोई भी पढ़ाई क्यों करता है, क्या अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, अपने माँ बाप को गौरवान्वित करने के लिए, क्या कि हाँ उनके लड़के उनके लड़की ने कुछ किया अपने लाइफ में, पढ़ाई लिखाई, जो मैंने पढ़ाई लिखाई करवाया, जो उन्होंने पढ़ाया उसका कुछ फल मिला है। तो सबसे पहले बता दूँ कि SSC GD जो होता है वो एक SSC जो है एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो जो है गवर्नमेंट जॉब्स को ऑर्गेनाइज़ करवाती है। तो ये जो SSC GD है, ये तो है, GD मतलब होता है जनरल ड्यूटी। मतलब SSC GD में पैरामिलिट्री फोर्सेज, BSF, SSF, TAT, CISF, ITBP, असम राइफल्स, SSB, तो ये सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनके अंदर रिक्रूटमेंट होता है। मतलब सोल्जर्स के रूप में, एज अ राइफल मैन, फिर एज अ कॉन्स्टेबल के रूप में इनका लड़कों का, नए नए युवाओं का, लड़कियों का इनमें रिक्रूटमेंट होता है, वो उनमें भर्ती होती है। तो SSC GD होता है वो एक 10th पास पे एग्ज़ाम है, जिसके लिए आपको, जिसको आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एलिजिबल है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास होने से आपको मार्क्स नहीं दिखाता कितना परसेंट आपका मार्क्स है, आप केवल अगर 10th पास हो तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो 10th पास। उसके बाद आपका एज होता है वो 18 प्लस होना चाहिए, और एज 18 प्लस आपका फॉर्म फिलअप का, और हाइट जो होता है वो आपका लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 162 सेंटीमीटर होता है। और इसमें आपका रहता है जैसे ड्यूटी क्या रहता है, तो जिसमें आपका जितना भी जनरल ड्यूटी है, सामान्य जितनी भी ड्यूटी रहती है, कहीं भी गार्ड देना, कहीं बाहर जाना आना, कुछ सामान लाना, तो ये सारी ड्यूटियाँ रहती है जनरल ड्यूटी। और जनरल ड्यूटी बस जनरल ड्यूटी में ही रहता है, ज़्यादा आपका वर्कलोड नहीं रहता, नॉर्मल ही रहता है। सैलरी के बारे में, तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। इसके बेसिक पे जो है 21,700 है, और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पे, अलग अलग फोर्स में, अलग अलग प्लेस पोस्टिंग के हिसाब से उनका सैलरी डिफर करता है। सैलरी लगभग 40-45 के अबव चली जाती है सभी फोर्सेज की। तो इस प्रकार से सैलरी भी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी भी बहुत सारी है, आपको ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट भी बहुत सारे मुफ्त रहता है आपका आने जाने का, जब छुट्टी जाते हो तो उसका भी मुफ्त रहता है। ट्रेन का से अगर जा रहे हो तो ट्रेन का टिकट आपको AC 3 का आपको दिया जाता है फ्री में, उनको टिकट का पैसा नहीं लगता है। आपका मेडिकल फैसिलिटी बहुत सही है। आपका फैमिली, आप कहीं भी, आपका कोई इंजरी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग वहाँ इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, कोई भी हो। जो भी अगर लड़की कोई सर्विस कर रही है कहीं भी, तो वो भी अपनी फैमिली के करवा सकते हैं इलाज कहीं भी। मेडिकल फैसिलिटी है, आपका सैलरी में बहुत सारे अलाउंस हैं, अलाउंस भी हमेशा सैलरी इंक्रीज़ होता रहता है, हर साल इंक्रीज़ होता है। तो इस प्रकार से पैसे भी बहुत है, मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन की भी फैसिलिटी है, जैसे असम राइफल्स को छोड़कर जितनी भी फैसिलिटी है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका यूनिट रन कैंटीन का वो लोग यूज़ करते हैं। यूनिट में जो भी कैंटीन चलते हैं वहाँ से आप लोग कम प्राइस में, मार्केट के कम दामों में आप लोग सामान परचेस कर सकते हैं। बट असम राइफल्स जो वो इंडियन आर्मी के अंतर्गत आती है, तो असम राइफल्स में आपका पूरे अपने घर के भी, आपके घर के पास में भी अगर कोई कैंटीन होगा तो वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, और कोई फैमिली भी परचेस कर सकती है वहाँ सामान। लीकर कार्ड भी रहता है, आप लीकर भी परचेस कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो जहाँ आपकी कैंटीन रह रही है, कैंटीन की सुविधा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप लोग अगर SSC GD के बारे में इतना कुछ आपको पता है, SSC GD में सिलेक्शन के लिए भी आपको 3 स्टेज होती है, आपका नॉर्मल बता रहा हूँ। स्टेज में आपका जैसे सबसे पहले फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, CBT एग्ज़ाम होता है, उसमें रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल का भी फिर मेरिट निकलता है, मेरिट निकलने फिर आपका मेडिकल टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर आता है, और मेडिकल टेस्ट में आप अपीयर हो गए, उसके बाद आता है आपका फाइनल मेरिट। और फाइनल मेरिट में अगर आप सिलेक्ट हो गए और फाइनल मेरिट में आपका नाम है, देन आपके घर में आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी अगर कुछ कमेंट होगा, अगर आपको डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जय हिंद।